जैसे कि आपने हमारी एक वीडियो में देखा था कि हमने नेस्टेड रिपीट्स बनाए थे, इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि नेस्टेड रिपीट्स ही एक तरीका है रिपीट्स को इस्तेमाल करने का। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपीट्स इस्तेमाल हो सकते हैं विद डिफरेंट वेरिएशंस के साथ या डिफरेंट तरीकों के साथ। सो एक तरीका लेट्स से इसमें यह है कि हम एक रिपीट के अंदर एक और रिपीट लगा दें, या एक और तरीका यह है कि हम एक रिपीट के बाहर एक और रिपीट लगा दें। सो देखा जाए तो ये दोनों रिपीट ब्लॉक्स की जो वेरिएशंस हैं या जो तरीके हैं, ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक टाइप जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है वो हमारी नेस्टेड रिपीट की टाइप है, जबकि जो हमारी राइट हैंड वाली साइड है वो हमारी मल्टीपल रिपीट्स की टाइप है। तो मल्टीपल रिपीट्स को हम कॉम्प्लेक्स रिपीट्स भी कहते हैं, जिसमें हम नेस्टेड रिपीट के तरीके अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम मल्टीपल रिपीट्स के तरीकों के साथ अपने प्रोग्राम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि मल्टीपल रिपीट्स के साथ होगा। सो लेट्स से कि मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक प्ले साउंड रिपीट ब्लॉक के ऊपर इस्तेमाल किया और एक प्ले नोट 62 जो कि चार दफ़ा रिपीट होगी, इसको मैंने एक रिपीट ऊपर वाले रिपीट के साथ इस्तेमाल किया, और एक प्ले ड्रम का साउंड जो कि होगा स्नेयर ड्रम, नो लेट्स से वी टेक बेस ड्रम, और रिपीट की वैल्यू होगी 5। बट हमारा प्रोग्राम अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोग्राम है जब ये पूरा रन हो जाए रिपीट के साथ सारे साउंड के साथ, तो कैट 10 स्टेप्स मूव करे, और मूव करने के बाद फिर एक और प्ले ड्रम हो, राइट। और इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं एक और चीज़ के जब प्ले नोट 62 4 टाइम्स चल जाए तब कैट एक और दफ़ा मूव 10 स्टेप हो। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम में जो रिपीट ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के अंदर नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट एज अ डिफरेंट ब्लॉक ट्रीट कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। उनके बीच में और भी ब्लॉक्स आ सकते हैं या नहीं भी आते तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें यहाँ पे एक ब्लॉक एक्चुअली लगाना था। सो आइए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। राइट, सो वैसे तो इस प्रोग्राम का आउटपुट